Que उड़ेल जहां कोई ले जा सकता है, अब आप ये सोचो कि जहां कोई ले जा सके उस स्थान, वह स्थान कौन हो सकता था? विवेकानंद जी ने जिस वर्तन को मैं उसको उनके मवाद को उनके पीप को उड़ेला था, वह ऐसे उठाए और पूरा का पूरा पी गए। स्वामी जी ने कहा, नरेंद्र तू मेरी परीक्षा में सफल हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी सारी आध्यात्मिक शक्ति तो अल तुमने नहीं दिया, मैं इसी रात तक यह चाहता था कि देखे तुम इसका करते क्या हो। मेरे जीवन का अंतिम क्षण है और अंतिम क्षण में मैं सोच रहा था कि आखिर इस आध्यात्मिक शक्तियों को दूं कैसे, इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था, तुमने ले लिया, यह भविष्य में ध्यान रखना कि तुम हमारे साथ में हमेशा रहोगा। और वह दृश्य भी लोग कहते हैं कि जब समुद्र की लहरों को चीरते हुए जहाज आगे बढ़ रहा था तो विवेकानंद को दर्शन हो रहा था कि आगे आगे कोई ऐसा व्यक्ति है जो सफेद वस्त्र पहने हुए चल रहा है, और पीछे जब मुड़ करके देखते हैं तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस दिखते हैं। यह बात भारत के सन्यासी की थी, जिस सन्यासी के विषय में यह कहा गया ना, पटेल जी ने कहा कि तुम काम क्यों नहीं करते हो, किसी व्यक्ति ने कहा। वास्तव में काम तो वही करता है जो निष्काम है। निष्काम का मतलब इस पूरे प्रकृति में पूरे ब्रह्मांड में अगर निष्काम कोई है तो भगवान को माना जाता है, जिसके लिए कहा गया हमारे कवियों ने कहा, बिन पद चले सुने बिन काना। जो बिना पद के चलता हो, बिना कान के सुनता हो और बिना मुंह के बोलता हो, वह है कौन? वह प्रकृति है, वह परमात्मा है, वह ईश्वर है। उस ईश्वर ने किसी को यह नहीं